नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। रीट 14 और 15 मई को 20,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, मुख्यमंत्री की घोषणा। राजस्थान पत्रिका न्यूज, जयपुर। प्रदेश में गहलोत सरकार ने वर्ष 2022 में 14 से 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया है। इससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स एवं पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करो 51,000 किए, नियम शर्तें लागू। गहलोत सरकार ने पद नहीं बढ़ाए, 20,000 की नई भर्ती निकाली। प्रदेश में 20,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए 14 से 15 मई को फिर होगी रीट। सीएम बोले, परीक्षा के बीच पद बढ़ाने की मांग है, कैसे पूरी कर दे, न तुम जीते और ना हम हारे। रीट के पद 50,000 करने के लिए 2 महीने से जयपुर में धरना दे रहे थे बेरोजगार। मंत्री व सीएम के सलाहकारों समेत 70 विधायकों ने भी पत्र लिखकर पद बढ़ाने की मांग की थी। भास्कर के सुझाव पर पहली बार 2 दिन होगी परीक्षा, ताकि परेशानी न हो। 10 साल बाद लगातार दूसरे साल आयोजन। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए पहली बार रीट 2 दिन होगी, क्योंकि 26 सितंबर 2021 को हुई रीट के दौरान अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हुई थी। पूरी सरकार इसके आयोजन में जुट गई थी। भास्कर ने इस मुद्दे को उठाया था और सलाह दी थी कि रीट एक से अधिक चरणों में की जाए। 2011, 2012, 2015, 17 और 2021 में रीट का आयोजन हुआ। अब 2022 में होगा। 10 साल बाद ऐसा होगा जब लगातार 2 साल रीट का पेपर होगा, यानी नए साल शिक्षा विभाग में 80,000 पदों पर भर्तियां होगी। शिक्षक तृतीय श्रेणी रीट 2021 31,000 पद, तृतीय श्रेणी रीट 2022 20,000 पद, स्कूल व्याख्याता 6,000 पद, कंप्यूटर अनुदेशक 10,157, सेकेंड ग्रेड 10,000, विशेष शिक्षा, लाइब्रेरियन, शारीरिक एवं प्रयोगशाला भर्ती। कोर्ट के आदेश के बाद विशेष शिक्षकों को भी नियुक्ति होगी। और यह है खाली पदों का गणित। गहलोत का नए साल पर बेरोजगारों को तोहफा, 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 14 एवं 15 मई को होगी रीट। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को और बेहतर बनाए जाए, नवज्योति न्यूज, जयपुर। जयपुर, शुक्रवार 31 दिसंबर 2021 रीट भर्ती में पद 50,000 करने की मांग, धरना जारी, बिगड़ने लगी अनशनकारियों की तबीयत, नवज्योति, जयपुर। राज्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, बेरोजगार संघ बना लेते फिर करते गैरवाजिब मांग। गहलोत बोले, 1,00,000 नौकरियां दी और इतनी देने जा रहे हैं। राजस्थान पत्रिका न्यूज, जयपुर। गहलोत का बयान था, कुछ लोग बेरोजगार संघ बना लेते हैं और मांग करते हैं कि रीट के पद 30,000 से 50,000 किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, उसके अनुरूप ही सरकार ने 30,000 पदों की भर्ती निकाली है, उसके ऊपर नहीं की जा सकते पद।
रीट कांस्टेबल पटवारी और वीडियो परीक्षा में सावधानी के बाद भी सामने आई धांधलियां, पेपर लीक और नकल गिरोह का रहा सहा। इन अटकी भर्तियों में मिली नियुक्तियां दी LDC 12,000, सेकेंड ग्रेड 9,000, व्याख्याता 5,000, चिकित्सा अधिकारी 2,000, कांस्टेबल 5,000, RS 2018, 2,000, अलविदा 2021। इन प्रमुख भर्तियों में विवादों से गिरी सरकार। वीडियो भर्ती परीक्षा रीट 2021, पटवारी RS SI 2021, कांस्टेबल, इन पदों पर होगी भर्तियां। कंप्यूटर शिक्षक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एवं अन्य। वीडियो पेपर लीक में NCI के प्रदेश महासचिव गिरफ्तार। जयपुर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती मामला। जल्द जारी होगा परीक्षाओं का कैलेंडर। मई जून में हो सकती है कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती। नवज्योति जयपुर। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती JN, पशुधन सहायक, वनपाल, वन रक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाने के संबंध में चयन बोर्ड के अध्यक्ष से उपेन यादव ने मुलाकात की। पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 2 से 3 सप्ताह में जारी होगा, उपेन यादव का बयान। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया। उपनिरीक्षक खेल कोटा सीधी भर्ती ट्रायल 8 से 19 जनवरी तक होगा। नवज्योति जयपुर। सिरोही से जुड़े पेपर लीक के तार, एक सीरीज का प्रश्न पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल। ग्राम विकास अधिकारी, प्री परीक्षा से जुड़ा है मामला। राजस्थान पत्रिका न्यूज। रीट गंगापुर सिटी से कई जगह वायरल हुआ था पेपर, पटवार कई मुन्ना भाई पकड़े, पेपर भी बिका। ग्राम विकास अधिकारी सिरोही में पकड़ा गिरोह। उच्च शिक्षा में 29 साल से ही लाइब्रेरियन भर्ती नहीं, नियमों के संशोधन में उलझी भर्ती। बांसवाड़ा भास्कर न्यूज। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कल से शुरू होगी नई योजना। भत्ता ले रहे 1.60 लाख बेरोजगारों से मांगी थी राय। 1.20 लाख को इंटर्नशिप प्रशिक्षण के साथ भत्ता लेना पसंद नहीं, राजस्थान पत्रिका न्यूज। चयनितों की सूची जारी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला करेंगे पुरस्कृत। साल की शुरुआत सम्मान से, अच्छा काम करने वाले 40 मंत्रालयिक सहायक कर्मियों का सम्मान 2 को। बीकानेर शिक्षा विभाग, DLED कॉलेज अब 3 जनवरी तक कर सकेंगे प्रोफाइल अपडेट। बीकानेर शिक्षा विभाग भास्कर न्यूज। सेकावाटी विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित अन्य शैक्षणिक पदों पर जल्द होगी भर्तियां। सीकर भास्कर। छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ाई। सीकर भास्कर न्यूज। RPSC 42 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल घोषित, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अजमेर RPSC स्कूलों में लगेंगे अस्थायी शिक्षक, विद्यालय विकास समिति के माध्यम से होगा चयन। बांसवाड़ा भास्कर न्यूज। पहली बार स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए अभिभावक भी देंगे सुझाव। डूंगरपुर भास्कर न्यूज। विश्वविद्यालय के परीक्षाओं के परिणाम जारी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय क्लेट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से। स्टाफ नहीं लगा महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा अभी मुश्किल। अलवर भास्कर न्यूज। जिम्मेदारी भूले SMC प्रतिनिधि, विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का कार्य कागजों में सिमटा, अब शिक्षा विभाग देगा प्रशिक्षण, राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।